अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज वियदर अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और जैसे आज हमारी यूनिवर्सिटी में है टीचर्स डे। व्लॉग बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था, पर इतनी सारी क्लिप्स थी तो मैंने बोला चलो बना लेते हैं, वॉइस ओवर लगा लेंगे। अभी हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं पैकिंग गिफ्ट्स की, जो स्टूडेंट्स में और टीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये प्रोग्राम होना तो सेमिनार हॉल में था, पर सेमिनार हॉल में कोई और प्रोग्राम चल रहा था, इसलिए सेमिनार हॉल के अदम दस्तयाबी की सूरत में ये प्रोग्राम हमने अपनी क्लास में ही अरेंज कर लिया। इसकी वजह से ना माइक है ना स्पीकर है, तो आवाज़ कोई क्लियर नहीं आ रही। बच्चे अपने व्यूज़ दे रहे हैं पर वो सुनाई नहीं दे रहे। मैंने भी स्पीच की थी, वो आपको दिखाऊँगा, मैंने पार्टिसिपेट किया है इस प्रोग्राम में। हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट डॉक्टर अशरफ क्रम साहब की बर्थडे कुछ दिनों पहले ही गुजरी थी, तो उनका केक भी काटा गया और उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई। आप बहुत अच्छे राइटर हैं, 25-30 किताब पे उनसे ज़ायद शायद लिख चुके हैं। भी हैं हम लोग, भी हैं गमखार हमारे रहबर, भी हैं हम लोग, भी हैं गमखार हमारे उस्ताद है कौमों के मेहमान हमारे असाजा को कौमों का मेहमान कहा गया है। किसी भी कौम को बनाने सवाले सजाने और तरक्की की राहों मरूज तक पहुँचाने में उस्ताद का किरदार होता है। सामने बैठे तमाम तलबा दोस्तों की नुमाइंदगी करते हुए मैं अपने तमाम साहिबा इकराम को आज के दिन के मौके पर दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ और उनकी खिदमात को दिल से सराहता हूँ, क्योंकि इतनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा इतने बड़े जहाँ से होता है। तो आपको बाशूर बनाता है, आपको काबिल शहरी बनाता है, आपको ज़िंदगी के उसूल सिखाता है, आपको ज़िंदगी में रहने का तरीका सिखाता है। हम स्कूल में थे, हमें बताया जाता था कि झूठ बोलना गुनाह है, सफाई नस्फ ईमान है, कचरा कूड़ेदान में डालें, वक्त की पाबंदी करें, ये चीज़ें ये क्वालिटीज उसमें से मिलती हैं जो काबिल और सक्सेसफुल आदमी होता है। तो ये हमें हमारे साथ ने सिखाई। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने प्राइमरी टीचर्स को जिन्होंने पेंसिल पकड़ कर मुझे लिखना सिखाया, मुझे बहुत झूठ बोलना गुनाह है, सफाई नस्फ ईमान है, कचरा कूड़ेदान में डालें, वक्त की पाबंदी करें, ये चीज़ें ये क्वालिटीज उसमें से मिलती हैं जो काबिल और सक्सेसफुल आदमी होता है। तो ये हमें हमारे साथ ने सिखाई। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने प्राइमरी टीचर्स को जिन्होंने पेंसिल पकड़ कर मुझे लिखना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया, मुझे रीडिंग करना सिखाया। मैं सेकेंडरी के उन्होंने टीचर्स को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मुझे बुनियादी सबक पढ़ाए। मैं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिबान का करता हूँ जिन्होंने मेरे निसाब के साथ साथ मुझे ज़िंदगी में रहने का तरीका भी सिखाया, क्योंकि असाचा वो थे जो आपको रहने का तरीका सिखाते हैं और आपके काबिल शहरी बनने में आपकी मदद करते हैं। वो आपके दम से मनावाद हमारा, वो आपके दम से मनावाद हमारा उस्ताद है, उस्ताद का उस्ताद हमारा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो गुलिस्ता बन जाए, एक खून के कतरे में है तासीर, एक खून के कतरे में है तासीर इतनी, एक कौम की तारीख का उनवान बन जाए। इस सब के बाद अचानक हमारे सीआर अहमद भाई ने कुछ फ़न क्रिएट करना चाहा और क्विज कंपटीशन कर दिया। वहाँ सवाल पूछे जिसमें मैंने दो सवालों के जवाब दिए और मुझे गिफ्ट मिले, और दो मरतबा मुझे गिफ्ट मिले, एक मुझसे अहमद भाई ने ले लिया क्योंकि वो सेम चीज़ें थी तो मैंने उनको दे दी। बाकी जो गिफ्ट मुझे मिला है मैं आखिर में आपको इसका अनपैकिंग दिखाऊंगा कि ये क्या है। दो गिफ्ट मिले मुझे। स्टूडेंट थोड़ा बोर हो रहे थे तो एक भाई ने कहा कि मैं आप सबको एक बलोची सॉन्ग सुनाता हूँ, और जब उन्होंने सॉन्ग सुनाया तो स्टूडेंट ने काफ़ी इंजॉय किया। आप भी सुने। वापिस जाइए
जो गिफ्ट मैंने मिला वो मैंने आके घर खोला और आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या है। ये है हमारे यूनिवर्सिटी के फाउंडर मौलवी अब्दुल हक बाबा उर्दू की किताब जो मुझे मिली। इंशाल्लाह मैं इसको स्टडी करूँगा और आप भी इनके बारे में पढ़ें, उर्दू के बारे में जानें। थैंक यू बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब, आपने यूनिवर्सिटी बनाई। इस इवेंट के कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ और तस्वीर वो हैं जो स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए, वो सब इसमें हैं। तो आप देखें, इंजॉय करें। प्रोग्राम तो अच्छा हुआ पर हमारे लिए रिफ़्रेशमेंट में कुछ ही नहीं था, तो मैंने अपने सीआर को बोला भाई हमारे चार्जेस वापस दो। ले 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 ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं नहीं, मेरी गलती है। नहीं नहीं, मेरी गलती है।